एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो पठान और जवान जैसी फिल्मों से धमाल मचाने के बाद अब जल्द ही शाहरुख खान डंकी नाम की भी एक बहुत बड़ी फिल्म लेकर आने वाले हैं, जिसका अभी हाल ही में एक छोटा सा टीजर भी रिलीज कर दिया गया है और यह फिल्म आपको अगले महीने 21 दिसंबर से सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी, जिसका डायरेक्शन किए हैं राजकुमार हिरानी। और जैसा कि आप तो जानती हैं कि राजकुमार हिरानी से पहले भी कई सारी ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके हैं, इसीलिए इतना तो तय है कि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ बड़ा धमाका करने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी शाहरुख खान के पास 5 ऐसी फिल्में हैं जो कि कमाई के मामले में पठान और जवान को भी पीछे छोड़ सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उन फिल्मों के बारे में। तो शाहरुख खान की जो सबसे पहली फिल्म होने वाली है उस फिल्म का नाम है टाइगर 3। यह एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें लीड रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ एंड इमरान हाशमी इसमें विलन का रोल प्ले करते हुए दिखने वाले हैं। साथ ही इसमें शाहरुख खान भी दिखाई देंगे पठान वाले रोल में धमाकेदार कैमियो करते हुए, और जानकारी के अनुसार इसमें जूनियर NTR का भी छोटा सा कैमियो रोल हो सकता है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है। इस मूवी को डायरेक्शन दिए हैं मनीष शर्मा और प्रोड्यूस किए हैं आदित्य चोपड़ा, जो कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। और यह है कि पैन इंडिया फिल्म होगी जो हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी इसी दिवाली के मौके पर। शाहरुख खान की दूसरी फिल्म वाली कंटाइटल फिल्म सिद्धार्थ आनंद के साथ, जिसमें लीड रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, और इसके अलावा भी सुहाना खान जोया अख्तर की फिल्म द आर्ची जैसे बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। वहीं इस मूवी में सुहाना खान के अलावा और भी कई सारे छोटे बड़े एक्टरों को कास्ट किया जाएगा। साथ ही इसमें शाहरुख खान भी दिखाई देंगे स्पेशल अपीयरेंस में, और इस मूवी को प्रोड्यूस भी सिद्धार्थ आनंद के साथ मिलकर शाहरुख खान ही करने वाले हैं। लेकिन अभी इस मूवी के डायरेक्टर का नाम सामने नहीं आया है। वहीं रिलीज डेट की बात करें तो यह फिल्म आपको 2024 के शुरुआती महीनों में देखने को मिल जाएगी। शाहरुख खान की अगली फिल्म वाली है टाइगर वर्सेस पठान। यह स्पाई यूनिवर्स की आने वाली अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी, क्योंकि इसमें शाहरुख खान और सलमान खान दोनों एक साथ दिखाई देंगे लीड रोल प्ले करते हुए। साथ ही इसमें कैटरीना कैफ एंड दीपिका पादुकोण भी होंगी मुख्य भूमिका में। वहीं जानकारी के अनुसार इसमें विलन का रोल प्ले करने के लिए हॉलीवुड एक्टर जेसन मोमोआ को कास्ट किया जा सकता है। यानी देखा जाए तो यह एक बड़ी स्टार कास्ट वाली बड़े बजट की फिल्म होगी, जिसका डायरेक्शन करने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद। और खबरों की माने तो इस फिल्म की कहानी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी शूटिंग अगले साल मार्च या अप्रैल के महीने से शुरू कर दी जाएगी और रिलीज होगी 2025 में ईद के मौके पर। शाहरुख खान की चौथी फिल्म होने वाली है वॉर 2, जो कि साल 2019 में आई ऋतिक रोशन की ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर का सीक्वल होगा, जिसमें लीड रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे ऋतिक रोशन, जूनियर NTR एंड कियारा आडवाणी। जूनियर NTR इसमें विलन का रोल प्ले करते हुए दिखने वाले हैं। साथ ही इसमें शाहरुख खान और सलमान खान भी दिखाई देंगे धमाकेदार कैमियो करते हुए। वो इस मूवी को डायरेक्शन देंगे अयान मुखर्जी, जो कि इससे पहले भी ब्रह्मास्त्र जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बना चुके हैं, और अब बहुत जल्द ही इस फिल्म की भी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी, जो कि रिलीज 2024 के ही आखिरी महीनों तक किया जा सकता है। एंड इसी के साथ शाहरुख खान की पांचवी फिल्म होने वाली है जवान 2। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप तो जानती हैं कि जवान फिल्म कैसे बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया था, जिसके बाद से ही इसके दूसरे पार्ट की चर्चा काफी तेज हो गई है। हालांकि अभी इस मूवी का ऑफिशियल अनाउंस होना बाकी है। वहीं जानकारी के अनुसार इसमें एक बार फिर से लीड रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे शाहरुख खान एंड नयनतारा, और खबरों की माने तो अब की बार इसमें विजय सेतुपति की जगह विलन का रोल प्ले करने के लिए सुपरस्टार अजीत कुमार को कास्ट किया जा सकता है। बाकी इसकी पूरी कन्फर्म जानकारी फिल्म का ऑफिशियल अनाउंस होने के बाद ही सामने आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये रहे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आने वाली सभी बड़ी फिल्में। लेकिन इसके अलावा भी शाहरुख खान के पास और कई सारी फिल्में लाइनअप में पड़ी हुई है, मगर अभी उन फिल्मों के ऊपर कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे आप इन सभी फिल्मों में से किस फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही फिल्म से जुड़ी अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी। और जल्दी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई मूवी के साथ।